नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं FMC कंपनी का फर्टेरा इंसेक्टिसाइड के बारे में। यह क्या होता है, इसमें क्या टेक्निकल कॉम्बिनेशन होता है, फर्टेरा का उपयोग कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं, इसकी क्या कीमत होती है, इसका कितना डोज़ हमको देना चाहिए, सब कुछ डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं FMC कंपनी का फटेरा इंसेक्टिसाइड आज के समय में किसानों द्वारा काफ़ी ज़्यादा उपयोग में आने वाला इंसेक्टिसाइड है। पहले यह डूपॉन्ट फटेरा के नाम से आता था, जो यह नाम बदलकर अब FMC फर्टेरा के नाम से आता है। फर्टेरा कृषि में उपयोग आने वाली इंसेक्टिसाइड है, जिसको हम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड के रूप में उपयोग करते हैं। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है यह पौधों के हर एक भाग में जाकर हर एक कीट को मार गिराता है, चाहे कीट कहीं भी छुपे हो। फर्टेरा GR फॉर्म यानी ग्रेन्यूल के फॉर्म में आता है। इसका उपयोग से इसका प्रभाव पूरे पौधे में देखने को मिलता है, जिसके कारण कोई भी कीट या इंसेक्ट पौधे को खाने की कोशिश करता है तो वह मर जाता है। हम कह सकते हैं कि फटेरा कीटनाशक पौधे के सिस्टम में जाकर कार्य करता है। किसान भाइयों, इसके टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्लोर एंट्रा नील प्रोल 0.4% ग्रेन्यूल के फॉर्म में देखने को मिलता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा व अन्य सब्जी वर्गीय फसलों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई, इसका उपयोग धान में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मुख्य रूप से धान के लिए ही बनाया गया है। इसका रिजल्ट बढ़िया देखने को मिलता है। इसको हम अपनी फसल में 20 से 40 दिन के अंदर ही दे सकते हैं। इसको धान की फसल में अधिकतम 2 बार दे सकते हैं। फर्टेरा को हम लगभग सभी फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, जैसे यूरिया, DAP, NPK के साथ मिक्स करके जड़ों के पास दे सकते हैं। लेकिन किसान भाई, ध्यान दें कि आपको फर्टेरा को स्प्रे नहीं करना है या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको यूरिया में मिलाकर छिड़काव करना है, या अकेले भी इसको दे सकते हैं जड़ों के पास, या यूरिया में मिलाकर देने से रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं डोज के बारे में कि इसको हम कितना डोज दे सकते हैं। किसान भाई, आपको 1 एकड़ खेत में 3 से 4 किलो फर्टेरा आपको दे सकते हैं। लेकिन किसान भाई, ध्यान दें कि आपके खेत में नमी होना चाहिए, और यदि नमी नहीं है तो इसको जड़ों के पास देकर तुरंत पानी कर देना है, जिससे रिजल्ट आपको 100% देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं फर्टेरा कौन कौन सी बीमारी की रोकथाम करता है। फर्टेरा मुख्य रूप से पत्ता लपेट, पत्तियों को खाने वाली इल्ली, तना छेदक या स्टेम बोरर, वाइट फ्लाई, इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करता है। फर्टेरा पौधों को फाइटोनिक इफ़ेक्ट डालता है। अब जानते हैं फाइटोनिक इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है। फाइटोनिक इफ़ेक्ट का मतलब होता है, जैसे ही आप फटेरा का उपयोग करेंगे, यह 2 से 3 दिन के अंदर आपकी फसल की ग्रोथ को बढ़ा देता है, जिससे पौधे की जड़ें तंदुरुस्त हो जाती हैं। पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे पौधा अच्छे से भोजन बना सके। इसका उपयोग करने से धान की फसल में अधिक कल्ले देखने को मिलते हैं। यह फटेरा इंसेक्टिसाइड पौधे के सिस्टम में जाकर पौधे को जहरीला बना देता है, जिससे कोई भी कीट या इल्ली उस पौधे को खाती है तो वह स्वयं ही मर जाती है। फटेरा का उपयोग करने से पौधों में बार बार बीमारी की समस्या देखने को नहीं मिलती है। इसका रिजल्ट लंबे समय तक देखने को मिलता है। किसान भाइयों, फटेरा का उपयोग करते समय हमको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। खाद डालते समय आपको हाथ में ग्लव्स जरूर पहनना है, और मुंह में मास्क अवश्य लगाना है। फर्टेरा का अधिक इस्तेमाल करने से फसल में नुकसान भी हो सकता है। इसका उपयोग ज़्यादा तापमान में ना करें, जिससे परिणाम कम देखने को मिल सकते हैं। आप हमेशा सुबह या शाम के समय में ही इसका उपयोग करें। फर्टेरा को खेत में डालकर तुरंत पानी चला दें, जिससे आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। अब जान लेते हैं कीमत के बारे में, इसकी क्या कीमत होती है। 4 किलो के बैग की कीमत 700 से 800 रुपये के आसपास मिलती है। यह आपके लोकेशन पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन से बिलोंग करते हैं। यह प्राइस ऊपर या नीचे भी हो सकती है।
तो किसान भाई, यह जानकारी FMC कंपनी के फर्टेरा इंसेक्टिसाइड की दी है। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका सुझाव हमारे लिए ज़रूरी है। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।